हेलो 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 एवरीवन। सो बेसिकली एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरी हर वीडियो के नीचे आ रहा था। एक्चुअली पिछले जो भी सैटरडे गया हुआ है उसमें अड्डा की तरफ से आपको बहुत सारी आई वुड से कि एक हेल्प थी या हमारा कंट्रीब्यूशन था आप सभी लोगों के लिए जो कि हमने आपको देने की कोशिश करी। वो ये था कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करवाएं और हम थोड़ा सा उनको कनेक्ट कर सके पिछले साल के पेपर्स के साथ। सो हमने बच्चों को पिछले साल के एनटीए के ऑफिशियल पेपर्स और एनटीए के ऑफिशियल मॉक्स करवाए, राइट। सो बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे मैम कि चलिए ठीक है, हमने इंग्लिश का ले लिया, आपने इंग्लिश का पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हम अलग अलग जगह पर जाकर के कैसे एक्सेस कर पाए इसको। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप एनटीए का ऑफिशियल मॉक कहाँ से दे सकते हो और कैसे आपको एकदम लाइव वो पेपर वाली फीलिंग आने वाली है, ताकि आप अच्छे से अपना पेपर दे पाओ और आपको ये पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो और कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो बहुत ही इजीली, राइट। सो इसके लिए आपको करना क्या है, छोटा सा काम आपको करना है, आप अपना गूगल सर्च खोल लो, ओपन कर लो, उस पे आपको डालना है एनटीए ऑफिशियल मॉक, या तो आप एनटीए ऑफिशियल मॉक डाल दो या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ये भी डाल दो मॉक टेस्ट। जैसे ही आप मॉक टेस्ट डालोगे तो आपके पास देखो ऊपर एनटीए का लोगो आ रहा होगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप तो इस लोगो के साथ, कैन यू सी दिस, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, इस तरह का लोगो आ रहा होगा आपके पास, ये वाला लोगो, और इस लोगो के साथ आपको ये वाला लिंक ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे आपके पास इस तरीके से टेक मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन है ना, आपको सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4, सर्वर 5, सर्वर 6 पे देने के लिए मिल जाएगा। ये अलग अलग सर्वर्स देने का वजह बहुत सिंपल सी रही इनकी, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन था, वो ये था कि अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे एक ही सर्वर पे जाकर के पेपर दे रहे हैं तो वो दूसरे पे जाकर के दे पाए, तीसरे पे जाकर के दे पाए, चौथे पे जाकर के दे पाए, उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट। सो मैं सर्वर 1 को ओपन करती हूँ, वैसे सब में एक ही जैसे पेपर है, आपके कुछ भी अलग या डिफरेंट नहीं है, आपको ओपन करना ऑब्वियसली। अब आप जब पेपर देने के लिए जाओगे तो आप ये सर्च करने वाले हो कि आपका पेपर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ह्यूमैनिटीज में कोई भी देना, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी, या फिर आपको साइंस में कोई भी देना है, लाइक आपका मैथ्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, राइट, या फिर आपको अपने कॉमर्स का कोई भी पेपर देना है, लाइक अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर इंग्लिश का देना है, जीटी का देना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप एक बार सिलेक्ट करोगे अपना एग्जाम, पिछले साल का आपको पेपर मिल जाएगा, अभी का अगर आपको देना है तो वो अभी आना बाकी, अभी तक आया नहीं है। एंड वी आर कंसिडरिंग कि जब आपका बे वाला टाइम चल रहा होगा तो आपका एक हफ्ते पहले ही ऑफिशियल मॉक आपका रिलीज करते हैं 2023 का, तो आपको अपना जो भी सिलेक्ट है वन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑल आप ऑल पे सिलेक्ट कर लो। मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑल आप ऑल सिलेक्ट कर लो। अपना पेपर सिलेक्ट करने के लिए आपको ये बोल रहा है पेपर आप सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ इस वजह से मैं इंग्लिश का आप लोगों को ओपन करके दिखा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, देखो मुझे इंग्लिश मिल गया, वैसे मैं सारे ओपन करके आपको दिखा दूंगी, सारे ओपन करके और मैक्सिमम ओपन करके दिखा दूंगी ताकि आप ले पाओ। यहाँ पे आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, जैसे ही आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे ना आपको यहाँ पे लिख करके आ जाएगा स्टार्ट मॉक। अब देखो पूरा इसी तरीके से आपका पेपर भी रहने वाला है, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपका पेपर 45 मिनट का होगा, फिर आपको दिया गया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पे विजिट नहीं करते हो तो आपको व्हाइट कलर का दिखाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन विजिट करने के बाद छोड़ दिया, आंसर टिक नहीं किया, तो आपको रेड कलर का दिखाएगा, अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें आपने क्वेश्चन का आंसर को सेव कर दिया है ना, तो आपको ग्रीन कलर का दिखाएगा, आपने अगर कोई आंसर को छोड़ दिया है मार्क फॉर रिव्यू टिक करके तो आपको पर्पल दिखाई देगा, और अगर मार्क वर रिव्यू करके आपने कोई ऑप्शन को सेव किया हुआ है, राइट, टिक किया हुआ है कोई ऑप्शन, तो आपको इस तरीके का दिखाएगा पर्पल में ग्रीन कलर का ऑप्शन। सो हमको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और याद रखिएगा एग्जाम में भी आपके यही होगा, आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको देखो यहाँ पर लिख करके दिखाई दे रहा है प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चन विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, है ना। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो एग्जाम में सेलेक्ट करने के लिए आती है, राइट में आपको क्लिक करने का ऑप्शन होता है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आपकी लैंग्वेज वाला एग्जाम छोड़ करके आपकी जो बाकी अदर वाला आपका पेपर होगा वो आपका जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो उसमें होगा, और इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी। सो यहाँ पर जब आप टिक करेंगे, लुक एट दिस, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, असामीज का पेपर असामीज में ही आएगा, तो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही आएगा, बाकी आपका जो पेपर है लैंग्वेज वो चूज करना पड़ेगा। अब जब आप इसमें टिक कर लोगे और आप ये बोल दोगे कि ऊपर के इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए हैं और अब आप प्रोसीड करना चाहते हो, तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का प्रीफेस ओपन होकर के आ जाएगा। सो कैन यू सी दिस प्रीफेस, तो यहाँ पर आपको दिया गया है पिछले साल का मॉक जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। अब ये पहला क्वेश्चन है और आपके सामने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका 50 क्वेश्चंस का स्पेस दिख रहा है कि आपके 50 क्वेश्चंस हैं, और अभी तक इसमें से ये बताया जा रहा है कि आपने अभी भी किसी भी क्वेश्चन को छुआ नहीं है। अब आप मान लो आपने कोई क्वेश्चन पे टिक कर दिया, जब आप टिक करोगे और फिर जब आप इसको सेव
कर दोगे, जब आप सेव कर दोगे तो सेव ऑन नेक्स्ट पे जाओगे तो आप देखो आपने ये सेव कर दिया इसलिए आपका ग्रीन कलर का आ रहा है, राइट। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मान लो आप ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करते हो आप छोड़ देते हो और आप सीधे कौन से क्वेश्चन के लिए चले जाते हो, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए चले जाते हो, राइट। सो इफ यू कैन सी, अगर आप वापस आओगे सेकंड वाले पे तो आपको ये दिखाएगा सीधे सीधे कि आपने ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि छोड़ दिए, ना आपने सेकंड पे टिक किया हुआ है और ना आपने थर्ड पे टिक किया हुआ है। अब मान लो मैं थर्ड के बाद जाती हूँ फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, राइट, और फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाकर के मैंने कोई ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन कैसे आ रहा है पर्पल, और क्योंकि मैंने सेव किया हुआ था मुझे वापस इसको चेक करना है तो उसमें ग्रीन कलर का ऑप्शन भी आ रहा है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है आपका, मान लो आप फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हो, अगले फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आप हो और फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आपने क्या किया, आपको समझ ही में नहीं आ रहा आंसर क्या होगा, लेकिन आप बाद में इसको चेक करना चाहते हो तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे लगा सकते हो, तो अब आपका जो ऑप्शन है पर्पल कलर का आपको दिखाई देगा, राइट। सो ये क्वेश्चन आपने सेव कर दिया था इसलिए ग्रीन है, ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था टिक ही नहीं किया था इसलिए सेकंड है, ये मार्क फॉर रिव्यू पे आंसर टिक करके लगाया था इसलिए पर्पल प्लस ग्रीन है, और ये जो पर्पल वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए लगाया हुआ, आपने कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया, राइट। इसी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो आप जाएंगे आपको पूरा एकदम वॉली फीलिंग आएगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, बस टाइमर नहीं चल रहा होगा, टाइमर आप अपने बगल में कोई भी वॉच लगा करके स्टार्ट कर सकते हो और उसको दे सकते हो। सिमिलरली ये तो मैंने आप लोगों को एक का बताया, ये इंग्लिश का है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर इंग्लिश, है ना, तो अगर आप इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं तो आप चेंज कर चुके हैं अपना, इकोनॉमिक्स के लिए जाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए भी जा सकते हैं। अब आप इकोनॉमिक्स के लिए आएंगे तो आपको पूरा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिखाना शुरू कर देगा, ये देखिए ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। इवन अगर आप जाना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप देखना चाहें तो देखिए आपकी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम हियर, आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते जाइए, आपको जितने भी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। ये आपका बायोलॉजी का पेपर है, इफ यू वांट टू सी आप आराम से इस पेपर को भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट लैंग्वेज करने के लिए बोल रहा है, इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपना यहाँ पर पेपर आकर के दे सकते हैं प्रोसीड पे। इस तरीके से आपको बायो के क्वेश्चंस भी दिखने लगेंगे। सो ये सारा क्वेश्चन आपको आराम से एक्सेस करने के लिए मिल सकता है। आप कोई भी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट डोमेन का पेपर देना चाहते हो, या फिर कोई भी आप पेपर देना चाहते हो, स्पेशली जीडी का भी पेपर देना चाहते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो जाइए आराम से जाकर के आप मॉक दीजिए। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमारे साथ जरूर से जरूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले जरूर से जरूर ये बता दी जाऊंगी, ये सब क्वेश्चन पेपर को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ना है और आपको सिलेबस आता है या नहीं आ पाता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, राइट, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सके। तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहती हूं, वी हैव अ पर्टिकुलर ऐप, है ना, अड्डा 24/7 की ऐप है, उस पर आप जाइए अपना कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स में सिलेक्ट क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाकर के यूजी और यूजी पे जाकर के सीयूईटी, आप अपना कोर्स ले लीजिए। आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स ले लीजिए, साइंस के हैं तो साइंस ले लीजिए, खालिश इंग्लिश जीटी के हैं तो खाली इंग्लिश जीटी ले लीजिए। ये आपका बैज है, ठीक है, ये बैज आपको 3599 रुपीज का मिल रहा है, बट अगर आप कोड यूज करेंगे Y484, तो जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे अप्लाई करेंगे आपको ये बैज कितने का मिल जाएगा, यू कैन सी आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, ये आपको बैच मिल जाएगा 2987 रुपीस का। तो कैन यू सी दिस, अच्छा इसके पर से कोड हट गया है, तो मैं एक बार वापस से कोड लगाना चाहूंगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे Y484 कोड अप्लाई कर देती हूँ। देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया यहाँ पे ये बैच कितने का दिखा रहा है आपको, 2987 रुपीस का, ठीक है। अब इसमें आपको मिलने क्या वाला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स सिलेबस मिल जाएगा, पूरा कोर्स सिलेबस मिल जाएगा, ताकि अच्छे से आप पढ़ाई कर सको अपनी। आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिल रही होंगी, है ना, टीचर्स जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना तो आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हो, तो टीचर्स अपने सेल्फ नोट आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बुक बार बार ना पढ़नी पड़े, तो टीचर्स आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर भी टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप डेली के डेली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा आपको यहाँ पर ई बुक्स मिलती है, राइट, और ई बुक्स के अलावा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप दो और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आओ। बच्चा कभी कभी डाउट्स के डिमांड करता है यहाँ पर, तो टीचर अलग से डाउट सेशंस भी लेते हैं आपके, और साथ ही साथ में कभी कभी बच्चा काउंसलिंग भी मांगता है कि मुझे इस चीज में डाउट है उस चीज में डाउट है, तो टीचर स्पेशली काउंसलिंग भी देते हैं सीयूईटी रिलेवेंट एग्जाम्स के लिए। अच्छा, ये वाला जो आपको सिलेबस मिल रहा है इसमें आपका लैंग्वेज प्लस जीटी
प्लस डोमेन का कॉम्बिनेशन है, चाहे साइंस का लो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज का लो, चाहे कॉमर्स का लो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और डोमेन का लेते हो, है ना, तो ये बैच आपको कितने का पड़ सकता है, 2400 रुपीज का। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का और जीटी का लेते हो तो ये बैच आपको कितने का पड़ सकता है बेटू, ये बैच आपको पड़ सकता है 2000 रुपीज का। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज Y484। सो यूज दिस कोड एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप देखिए आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए कि आपको जरूरत है कि नहीं है बैच की। ऑल्दो ये बैच 17th of April से स्टार्ट हो चुका है, बट अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, एक ही दिन हुआ है आपका, आप आराम से इसमें जाकर के एनरोल कर सकते हो और अपना एग्जाम जाकर के दे सकते हो, वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, बट स्टिल इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज कीप ऑन आस्किंग अस, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बेटर कर सकते हैं एग्जाम्स में। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।